ये नहीं जा रहा है। ओए फोन करके बता लोकेश, लोकेश बता बता, फोन करो। He was arrested from the Punjab border and now he is being taken by the Delhi police. The officials of Delhi police special cell and crime branch, both of them are here. चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है, उनके लोगों को रिजर्वेशन में लाकर और 26 जनवरी के दिन जो रेड फोर्ट पर किया है, इसके लिए हमारे केसेस में वांटेड था स्पेशल सेल क्राइम ब्रांच के केस में। और कल रात एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पर लगभग 10:30 बजे के आसपास करनाल के पास से इसको अप्रेंड किया गया है और इसको अभी हम कोर्ट में पेश करेंगे और क्राइम ब्रांच के पास क्योंकि वो केस है, क्राइम ब्रांच अपने केस मैनेज करेगी, उस इन्वेस्टिगेशन करेगी कि इसके रूल्स को क्या क्या है और इसने क्या कॉन्स्पिरेसी की। सर, सोशल मीडिया जो हम लोग के पास टेक्निकल इन्फॉर्मेशन थी उसके हिसाब से इसकी पोस्ट US से अपलोड हो रही थी, उसके बारे में इसे पूछताछ की जा रही है। सर, ये क्या फरार हो चुका था? तो डेफिनेटली ये फरार हो रहा था और भागने छुपने की कोशिश कर रहा था, उसको एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन भी कल करना था। आपको कितनी टीमें ब्रांच में लगी थी, क्योंकि क्राइम ब्रांच केसेस है वांटेड था। सर, वर यू आल्सो लुकिंग फॉर दोस पीपल हु वर हायर? इसको इन्वेस्टिगेट करेगा कि किस तरह से क्या रोल है इसको छुपाने के अंदर या इसी कॉन्स्पिरेसी। सर, अकेले था सर, कोई असला वगैरह इस पे मिला? ऑलरेडी ऑन एयर है और नेट पर है कि इसने पब्लिक को इंसाइट किया हुआ है, भड़काया है और 25 जनवरी को भी भड़काया है और 26 जनवरी को भी रेड फोर्ट पर भड़काया है। तो दिल्ली में 26 जनवरी को हुई लाल किला हिंसा मामले में दीप सिद्धू को आखिरकार दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है और यह जानकारी दिल्ली पुलिस के DCP संजीव यादव द्वारा दी गई है। हम आपको सुनाएंगे DCP का बयान कि किस तरह से दिल्ली पुलिस के DCP संजीव यादव ने बताया कि करनाल के पास से ही, करनाल से जो है 10:30 बजे रात को जो है दीप सिद्धू की गिरफ्तारी हुई है। बहरहाल करनाल पुलिस के अधिकारियों से भी हम बातचीत करेंगे, तो सुनिए DCP संजीव यादव का बयान जिस तरह से उन्होंने बताया। और सूत्रों की माने तो ये जानकारी आ रही है कि जो दीप सिद्धू है उसकी जो धर्मपत्नी है वो बिहार के पूर्णिया की रहने वाली है और बिहार भागने की फिराक में था। गौरतलब है कि लगातार 15 दिन से किस तरह से भागता हुआ नजर आ रहा था, लगातार जो है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच लगातार जो है दीप सिद्धू को जो है ढूंढने का प्रयास कर रही थी। और कल रात को 10:30 बजे जो है जानकारी मिली है कि 10:30 बजे करनाल के पास से उसकी गिरफ्तारी हुई है। ये जो बयान है, ऑफिशियली बयान हम आपको सुनाएंगे, DCP दिल्ली पुलिस संजीव यादव का बयान, जिन्होंने बताया कि किस तरह से दिल्ली पुलिस द्वारा दीप सिद्धू को गिरफ्तार कर लिया गया है, कोर्ट में उसको पेश किया गया है और अब उसका रिमांड लिया जाएगा ताकि पता लगाया जा सके कि क्या कुछ उसने किया, किन लोगों के कहने पर किया या खुद उसने अपने आप किया। तो कई गंभीर धाराओं के तहत जो उस पर मामला दर्ज हुआ है, 1,00,000 रुपए जो है उस पर रखा भी हुआ था, लेकिन अब जो है उसको गिरफ्तार कर लिया है। तो सुनिए DCP संजीव यादव का बयान और हमारी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। कमल मीडिया करनाल, ब्रेकिंग न्यूज करनाल। चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है, उनके लोगों को रिजर्वेशन में लाकर और 26 जनवरी के दिन जो रेड फोर्ट पर किया है, इसके लिए हमारे केसेस में वांटेड था स्पेशल सेल क्राइम ब्रांच के केस में। और कल रात एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पर लगभग 10:30 बजे के आसपास करनाल के पास से इसको अप्रेंड किया गया है और इसको अभी हम कोर्ट में पेश करेंगे और क्राइम ब्रांच के पास क्योंकि वो केस है, क्राइम ब्रांच अपने केस मैनेज करेगी, उस इन्वेस्टिगेशन करेगी कि इसके रूल्स को क्या क्या है और इसने क्या कॉन्स्पिरेसी की। सर, सोशल मीडिया जो हम लोग के पास टेक्निकल इन्फॉर्मेशन थी उसके हिसाब से इसकी पोस्ट US से अपलोड हो रही थी, उसके बारे में इसे पूछताछ की जा रही है। सर, ये क्या फरार हो चुका था? तो डेफिनेटली ये फरार हो रहा था और भागने छुपने की कोशिश कर रहा था, उसको एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन भी कल करना था। आपको कितनी टीमें ब्रांच में लगी थी, क्योंकि क्राइम ब्रांच केसेस है वांटेड था। सर, वर यू आल्सो लुकिंग फॉर दोस पीपल हु वर हायर? इसको इन्वेस्टिगेट करेगा कि इसे किस तरह से क्या रोल है इसको छुपाने के अंदर या इसी कॉन्स्पिरेसी। सर, अकेले था सर, कोई असला वगैरह इस पे मिला? ऑलरेडी ऑन एयर है और नेट पर है कि इसने पब्लिक को इंसाइट किया हुआ है, भड़काया है और 25 जनवरी को भी भड़काया है और 26 जनवरी को भी रेड फोर्ट पर भड़काया है। साझा किया गया है, वो सबने उसकी तस्वीरें देखी है। इस आरोपी दीप सिद्धू के ऊपर दिल्ली पुलिस की तरफ से 1,00,000 रुपया का रिवार्ड भी घोषित किया गया था। आरोपी दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है और आगे की तफ्तीश अभी जारी है। गिरफ्तारी हुई है, ये ऑपरेशनल डिटेल अभी हम साझा नहीं कर सकते हैं। अभी के लिए जितना बोला जा रहा है हम लोग दीप सिद्धू को गिरफ्तार कर रहे हैं। लाल किले का मुख्य आरोपी है दिल्ली पुलिस ने कहा, लाल किले में जिस तरह से हिंसा और उपद्रव मचाया गया था उसमें इसका प्रमुख भूमिका था और अभी इसके दुनिया साथियों के ऊपर भी हमारी टीम धरपकड़ करने में प्रयास जारी। सर, इस दौरान कहां पर रहा जिसे दो